आपको बताऊंगा कि आप घर पर जो ऑनियन की जो पील होती है, मतलब जो प्याज की जो पील, उसे आप फर्टिलाइज़र के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑनियन की जो प्याज की जो पील ली है और ये मेरी गार्डन की सॉइल है, आप चाहे तो क्ले सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास अलग अलग तीन पॉट हैं जिसमें मैंने ये ऑनियन की जो पील यूज़ करूँगा फर्टिलाइज़र के तौर पे। सबसे पहले हमें जो हमारे पास जो पॉट है उनमें उनकी जो मिट्टी को साइड से मिट्टी को उठा के उनमें छोटे छोटे गड्ढे, मतलब सुराख, जो गड्ढे खोद देने हैं। और उसके बाद जो हमारे पास जो ऑनियन की जो पील है उन गड्ढों में हमें भर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद उसको मिट्टी के साथ कवर कर देना है। जो ऑनियन की जो पील में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और उसके बाद जो पॉट के पील डालने के बाद उसे मिट्टी के साथ जो ऑनियन की जो पील है उसे अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि वो अंदर ही अंदर डीकम्पोज हो चुके और उसकी फर्टिलाइज़र तैयार हो चुके। उसी तरह जो दूसरे पॉट में भी एक गड्ढा खोद लेना है साइड में, लगभग 3 सेंटीमीटर तक गड्ढा खोद लें। और उसके बाद जो पील है हमने उसे पॉट के अंदर डालकर उसे मिट्टी के साथ कवर कर दें। और उसके बाद उसी तरह से मिट्टी के साथ से इसे ऊपर से कवर कर देना है। जैसे कि मैंने दो पॉट में जो ऑनियन की पील है उसमें डाल दी है फर्टिलाइज़र के तौर पर, और ये तीसरे पॉट में भी मैं गड्ढा खोद के ऑनियन की पील रख के और उसके ऊपर हमने मिट्टी डाल देनी है। ये सभी प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा और घर में उपलब्ध होने वाला फर्टिलाइज़र है। सभी घर में ऑनियन का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इस आसान तरीके से आप हर एक पॉट में फर्टिलाइज़र उपलब्ध कर सकते हैं। और उसके बाद सभी पॉट में हमें पानी डाल देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए सभी पॉट में मैंने पानी डाल देना है। लगभग एक हफ्ते के करीब ये जो हमने जो पील ऑनियन, मतलब कि जो प्याज की जो पील डाली है, ये अच्छी तरह से डीकम्पोज होके इसका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और ये हमने जो इस पॉट में पौधे लगाए हैं वो खुद ब खुद उस फर्टिलाइज़र को ले लेंगे। अगर आपके पॉट में पील ऊपर दिख रहे हैं, मतलब प्याज के जो सिल्क होते हैं ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऊपर से भी इसे और मिट्टी डाल के इसे अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। जैसे ये इस पॉट में लगभग एक दो हफ्ते के बाद ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो जाएगा।
और पौधा खुद खुद उस फर्टिलाइज़र को ले लेगा।